हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज। इस वीडियो डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो आपके WBCS के लास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम में आए हुए हैं। 2008 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो सारे वीडियो को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। ऑलरेडी से पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, पीर पंजाल रेंज कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है लेजर हिमालय में, सी लेजर हिमालय, और इसके अलावा पीर पंजाल रेंज और जस्कर रेंज, इन दोनों के दरमियान में लोकेटेड है आपका कश्मीर वैली। ओके, कश्मीर वैली। क्वेश्चन नंबर 2, द वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड में क्या है? ये है क्लिफ, ए क्लिफ। 3 भावा कॉरिडोर किसको लिंक करता है? तो ये लिंक करता है इंडिया और बांग्लादेश को, डी इंडिया एंड बांग्लादेश। और एक बात, इंडिया जो सबसे बड़ा बाउंड्री अपना शेयर करता है जिस कंट्री के साथ, वो बांग्लादेश ही है। क्वेश्चन नंबर 4, द दामोदर वैली मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट किसके बाद डिजाइन किया गया? तो ये डिजाइन किया गया आपका ए टेनेसी वैली प्रोजेक्ट ऑफ USA इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5, रिवर नर्मदा फ्लोस थ्रू, कैसे फ्लो करता है रिवर नर्मदा? तो ये फ्लो करता है फॉल थ्रू। क्वेश्चन नंबर 6, इंडस रिवर राइजेस नियर, इंडस रिवर कहाँ से राइज करता है? ये करता है मानसरोवर लेक से राइज करता है। मानसरोवर लेक कहाँ पे है? कैलाश रेंज के पास ही है, कैलाश रेंज। क्वेश्चन नंबर 7, रिवर गंगा फ्लो इनटू अ बे ऑफ बंगाल थ्रू, बे ऑफ बंगाल में जब रिवर नर्मदा जाता है तो कैसे जाता है? तो ये डेल्टा बनाकर जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर डेल्टा, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लिटरेटिक सॉइल ऑफ इंडिया आर, इंडिया इलेक्ट्रिक सॉइल ये क्या है? इसमें बहुत सारा आयरन है, तो क्या आंसर हो जाएगा? रिच इन आयरन, रिच इन आयरन। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र आर कॉल्ड, ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं? तो इसको रेगोर बोलते हैं, सी रेगोर, और ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कॉटन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नीम इज अ, नीम क्या है? ये एक ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस ट्री है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 1991 एंड 2001 इज, देखिए अभी ये वाला याद हम लोग लर्न नहीं करना है, हम लोग को 2011 के सेंसस के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनुअल ग्रोथ रेट है हम लोगों का वो 1.2% है, 1.2% है 2011 सेंसस के हिसाब से, आपको याद ये रखना है 1.2%। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, यहाँ पे 2011 सेंसस से देखेंगे हम लोग, लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया फाउंड इन, सबसे कम लिटरेसी रेट है वो कहाँ पे है? तो ये है बिहार में, सी बिहार, यहाँ पे 61.80 लिटरेसी रेट है। क्वेश्चन नंबर 13, इन इंडिया द सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के, इस पिछले वाले वीडियो में मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, 940 फीमेल्स इज टू 1000 मेल्स, ठीक है, तो 940 इज टू 1000 हो जाएगा, 940 इज द लिटरेसी रेट, सॉरी सेक्स रेशियो। क्वेश्चन नंबर 14, अ हाई बर्थ रेट इज एसोसिएटेड विद, जो हाई बर्थ रेट है ये किससे एसोसिएट है? तो ये लो फीमेल लिटरेसी रेट, बी अ लो फीमेल लिटरेसी रेट। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर मेल एंड फीमेल रेशियो एडवर्सली, आपको ऐसे स्टेट बताना है जहाँ पे जो मेल फीमेल है रेशियो है वो एडवर्स है, ठीक है, तो ये है हरियाणा में, डी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फ्रॉम इंडिया वाज, इंडिया में सबसे पहला रिमोट सेंसिंग था सैटेलाइट वो कौन सा था? वो था आई आर एस वन ए। क्वेश्चन नंबर 17, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यू इज यूज टू मेजर, ये किस लिए यूज होता है, क्या चीज़ मेजर करने के लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है पोजीशन ऑफ ओशियनिक मिनरल्स, इसको मेजर करने के लिए। एरियल फोटोग्राफ आर स्टडीज विद द हेल्प ऑफ, एरियल फोटोग्राफ को किसके हेल्प से स्टडी करते हैं हम लोग? तो इसको स्टडी करते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्कोप से, बी। क्वेश्चन 19, इन इन द पैसिफिक, ये इन लैनो क्या करता है? ये करता है डिक्रीज मानसून रेनफॉल ओवर इंडिया, ये इन लैनो लैनो ये दोनों आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, लिटरेसी रेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2001 नहीं बल्कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो लिटरेसी रेट है वेस्ट बंगाल का वो 77.08% है।
क्वेश्चन नंबर 21, द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, सॉरी पार्ट ऑफ बंगाल डेल्टा इज अंडर गोइंग, इस क्वेश्चन का आंसर है ए सब्सिडेंस, ए सब्सिडेंस। क्वेश्चन नंबर 22, लोकटक लेक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, लोकटक लेक कहाँ पे है, तो ये है आपका मणिपुर में, डी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 23, विच रिवर फ्लो थ्रू द वेल ऑफ कश्मीर, वेल ऑफ कश्मीर से कौन सा रिवर फ्लो करता है, तो ये करता है झीलम। क्वेश्चन नंबर 24, द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर इज लाइज इन, नर्मदा रिवर कहाँ का सोर्स कहाँ पे है, तो ये अमरकंटक प्लेटू नियर माइकाल रेंज के पास, ए। क्वेश्चन नंबर 25, गोंडवाना बेल्ट्स आर नोन फॉर देयर, गोंडवाना बेल्ट किस लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका कोल डिपोजिट के लिए, बी कोल डिपोजिट। क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन इंडिया, जो पहला जूट मिल है इंडिया में वो कब सेटअप हुआ, तो ये हुआ आपका 1850 में, बी आंसर होगा 1850। क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन कोल इज मोस्टली, इंडिया का जो कोयल है कोल है वो ज्यादातर क्या है, तो ये है बिटुमिनस, बी बिटुमिनस। क्वेश्चन नंबर 28, इन इंडिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व, सबसे ज्यादा कोल रिजर्व इंडिया में कहाँ पे है, तो ये आपका झारखंड में, बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 29, इन इंडिया विच स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कोल, तो ये मैंने भी बता दिया, ये है झारखंड में, सबसे ज्यादा कोल का प्रोड्यूसर कौन है, बी झारखंड। क्वेश्चन 30, कंट्रोवर्शियल वेदांता एल्युमिनियम प्लांट इज लोकेटेड इन, कंट्रोवर्शियल वेदांता एल्युमिनियम प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड आपका उड़ीसा में, बी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 31, जूट इज मेनली ग्रोन इन, जूट कहाँ पे ज़्यादातर ग्रो होता है, तो ये वेस्ट बंगाल में ग्रो होता है, और सब इंडिया में बहुत ज़्यादा जूट ग्रो होता है, और इसका सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 32, कॉटन प्रोडक्शन इज हाइएस्ट इन द स्टेट ऑफ, सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है, तो ये होता है आपका महाराष्ट्र में, और गुजरात में भी बहुत सारा कॉटन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, शुगर केन प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ, सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ पे होता है, ये होता है यूपी में। क्वेश्चन 34, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज, जो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है ये है आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ओके गोरखपुर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, सिस्मोग्राफ इज है, सिस्मोग्राफ क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 36, ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड सम लाइन्स आर ड्रॉन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल डीप एंगल, दीज लाइन्स आर नोन एज, ठीक है, मैप में वर्ल्ड में जो लाइन्स होते हैं जो ड्रॉ किए जाते हैं प्लेसेस को इक्वल डीप एंगल में ज्वाइन करते हैं, ये लाइन को क्या कहा जाता है, तो इस लाइन को कहा जाता है आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, बी आइसोक्लिनिक लाइन। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रेनाइट्स एंड जीनेसिस ऑफ धर्वेरियन एज आर फाउंड इन, धर्वेरियन एज का जो ग्रेनाइट्स और जीनेसिस था ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका छोटा नागपुर प्लेटू में, सी छोटा नागपुर प्लेटू। क्वेश्चन नंबर 38, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड, अगर एरिया की बात की जाए तो दुनिया में इंडिया की क्या रैंक है, ये है सेवेंथ, और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना में और उसके बाद इंडिया, तो इंडिया का रैंक है सेकेंड पॉपुलेशन के मामले में। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रिंसिपल कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ इंडियन मानसून इज द, इंडियन का जो मानसून है इसका जो प्रिंसिपल कंट्रोलिंग फैक्टर है वो क्या है, तो ये है आपका सी प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज माउंटेन, ठीक है प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 40, इन अप्रैल थंडर स्क्वेल्स आर वेरी फ्रिक्वेंट इन, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में, वेरी फ्रिक्वेंट इन वेस्ट बंगाल, बी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 41, कल्टीवेशन ऑफ बोरो राइस इन वेस्ट बंगाल इज प्रीडोमिनेंट इन, जो बोरो राइस का कल्टीवेशन है वेस्ट बंगाल में ये प्रीडोमिनेंट कहाँ पे है, तो ये है आपका ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में, सी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेस द राइस प्रोड्यूस इन द इंडिया, इंडिया में जो राइस का प्रोडक्शन है उसमें वेस्ट बंगाल कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है, तो वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस करता है 25%, और इंडिया में जो वेस्ट बंगाल स्टेट है ये सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करता है इंडिया में,
क्वेश्चन नंबर 43, साइक्लोन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल आर कॉमन ड्यूरिंग, जो साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल में ये कॉमन है, कब कॉमन है मतलब इस टाइम पे यहाँ पे बहुत साइक्लोन्स आते हैं, तो ये होता है समर मानसून में, सॉरी समर सेशन में, आंसर होगा आपका डी समर सेशन। क्वेश्चन नंबर 44, वेस्ट बंगाल अकाउंट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल में इंडिया का कितना पॉपुलेशन है, तो ये है 7.55, बी 7.55। क्वेश्चन नंबर 45, खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप वॉज बिल्ट इन, खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप कब बिल्ट हुआ, तो ये बिल्ट हुआ आपका 1900 में, सी 1900। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ बंगाल प्लेन, नॉर्थ बंगाल प्लान का सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सा है, तो ये है राइदक, बी राइदक। क्वेश्चन नंबर 47, इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल टेम्परेट फॉरेस्ट ऑक्यूर एट द एलिवेशन ऑफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी 1500 meters, 1500 meters। तो ये थे क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी के रिलेटेड, और ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। इसके बाद हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।